हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये केक आपको दिख रहा है ना, ये बहुत ही सुंदर केक बना है। और ये केक ना एगलेस है और बिना गैस और बिना ओवन का यूज़ किए मैंने यहाँ पे ये केक बनाया है। तो आप देखना चाहते हैं कि ये केक मैंने कैसे बनाया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है ब्रेड और ये शुगर का पानी यानी कि चीनी पानी और थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम। तो सबसे पहले मैं इस ब्रेड के जो किनारे हैं इन ब्रेड के इसे कट करके निकाल दूंगी। तो इस केक को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें आपको गैस चलाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ओवन की कोई ज़रूरत है। लेकिन आप ये जो केक बनाएंगे ना तो ब्राउन ब्रेड मत लीजिएगा, वरना ये अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आपको व्हाइट ब्रेड ही यूज़ करनी है। तो इस तरीके से मैं चारों जो इसके कॉर्नर है वो जो कॉर्नर है मैं ऐसे कट करके निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी कट करके इसको निकाल लेना है ताकि ये एक शेप में आ जाए और देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से निकाल लेने के बाद मैंने यहाँ पर जो चीनी का पानी बना के रखा हुआ है मैं उसमें इसमें स्प्रेड कर दूंगी। जो चीनी का पानी आपको बनाना बहुत आसान है, आप शुगर ले लीजिए और पानी ले लीजिए, उसके बाद इसमें इसको घोल इस तरह सा तैयार कर सकते हैं। इस तरह से घोल तैयार करके आप एक चम्मच इस पर लगा लीजिए, या फिर ज़्यादा अगर आपको थोड़ी सी मीठी मीठा डिश ज़्यादा पसंद है या फिर मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। बट केक की बात है तो बहुत ज़्यादा फीका केक भी नहीं अच्छा लगेगा, तो थोड़ा सा अच्छे से लगाया। उसके बाद ये जो क्रीम है ये मैं स्प्रेड कर रही हूँ उस पर। तो ये जो व्हिप्ड क्रीम है ना इसे आप घर पे भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीटर है या फिर बीटर है कोई भी रैंडमली तो आप बना सकते हैं इस क्रीम को। और नहीं अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसे बेकरी की दुकान से या फिर कहीं भी पास में मार्केट से ले सकते हैं, बहुत ही ईजिली ये मिल जाती है आपको मार्केट में। तो आप इसी अच्छी तरीके से आप एक एक लेयर करके यहाँ पे ब्रेड की जो स्लाइसेस है उसमें लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे चार स्लाइसेस ली हैं और उन्हीं से मैं ये केक बना रही हूँ ताकि मैं आपको तुरंत दिखाऊँ, आसान तरीके से दिखा दूँ और ज़्यादा टाइम ना लगे। अब एक लेयर क्रीम की लगाने के बाद मैंने फिर से यहाँ पे शुगर का जो सिरप बना रखा है वो लगाया, उसके बाद फिर मैं क्रीम यहाँ पे लगा रही हूँ। तो एक एक लेयर करके आप लगाइए ताकि आपका जो ये केक है वो बिल्कुल बाजार के जैसे लगे और बहुत स्पंजी बने और खाने में बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर हो इसका और एकदम सॉफ्ट। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा आप। आप इसका जो रेसिपी है इसको ट्राई जरूर करिएगा। अब इस तरीके से फिर से मैंने शुगर सिरप यूज किया और फिर से मैंने क्रीम को बराबर करके स्प्रेड कर लिया इस पे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। और मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे फूड, DIY, ब्यूटी, मेकअप, फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे मिलेगा आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत ईजली और सबसे पहले। तो ये देखने में जितना सुंदर लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही लाजवाब लगता है और कहीं से नहीं लगता कि आपको ये आपने घर पे बनाया है। आप आई एम श्योर कि आप इसे अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं इस केक को, और वो भी कहेगा कि वाह आप कितने टैलेंटेड हैं कि आपने सिर्फ ब्रेड से ही एक केक बनाया है, वो भी एगलेस और बिना ओवन और गैस के। तरीके से बराबर कर रही हूँ ताकि ये जो क्रीम है ये कहीं से भी ऊपर उठी हुई या फिर दबी हुई ना लगे, इसीलिए इसके चारों कोने जो है वो कॉर्नर में अच्छी तरीके से मिला लूँगी क्रीम से। तो इसमें क्रीम आप अपने हिसाब से अच्छे से लगाइए और ऐसे लगाइए ताकि आपका ब्रेड का जो कोई भी हिस्सा बाहर से नज़र ना आए और ये पूरी तरीके से कवर हो जाए ताकि देखने में ये बिल्कुल बाहर के जो मार्केट वाला केक होता है उसके जैसा लगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर इसके सारे कॉर्नर्स को हाइड कर रही हूँ क्रीम से, क्रीम की हेल्प से। और ये लगभग रेडी है। अब
थोड़ी सी मेहनत और लगेगी इसमें और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो मेरा ये जो केक है ये फाइनली थोड़ा सा रेडी हो चुका है। अब मैं फाइनल शेप इसको बस ऊपर से मैं दे दूंगी और मैंने दे दिया है। अब ये मैं यहाँ पे इसकी डेकोरेटिंग करूंगी। और ये टूटी फ्रूटी है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ, ये भी मार्केट में ईजिली मिल जाती है। अगर आप चाहे तो इसके जगह चेरी या फिर जो केक की डेकोरेटिंग का जो भी सामान मिलता है उसे अपने हिसाब से अपनी पसंद का कुछ भी आप इसमें ऊपर से लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्रूट अगर आप चाहते हैं कि पाइनएप्पल का टच दे तो फिर आप थोड़ा सा फल काट के इस पर रख सकते हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेश सी रेसिपी है केक की और इसमें कोई एग नहीं है, तो आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ थोड़ा सा सजा रही हूँ तो आप फाइनल टच दे रही हूँ, थोड़ा सा देखने में ये अच्छा लगे और मार्केट जैसा लगे, कोई भी जज ना कर पाए कि मैंने ये घर पे बनाया है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे सजा लूँगी और फिर ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो रेडी है हमारा ये केक और ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने बनाया है वाइट ब्रेड से और व्हिप्ड क्रीम से, तो ये बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में भी बिल्कुल टेस्टी लगता है और मार्केट जैसा ही लगता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मौनी पूनम वर्मा से, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं चैनल के नाम से। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए और साथ ही खुश रहिए और कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।